डीजल के रुपयों को लेकर कार चालकों ने पेट्रोल पंप ऑफिस में घुसकर पेट्रोल कर्मी और मैनेजर के साथ की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मारपीट का वीडियो 10 अगस्त का है। मामला वीडियो आज आया सामने। सिरसागंज एचपी पेट्रोल पंप का मामला। सिरसागंज के एचपी पेट्रोल पंप पर 10 अगस्त को कार चालक डीजल डलवाने के लिए आए थे। जिन्होंने 5,000 रुपये का डीजल डलवाने की पेट्रोल पंप कर्मी से कही तो उसने डीजल डाला तो गलती मशीन 4,720 रुपये पर रुक गई। इसको ही लेकर पेट्रोल पंप कर्मी और कार चालकों में विवाद हो गया। कार चालक राइफल लेकर अपने साथियों सहित पेट्रोल पंप के बने ऑफिस में घुस गया और वहाँ कर्मचारी और वहाँ मैनेजर के साथ मारपीट कर दी और मारपीट करके फरार हो गए। वही मारपीट की शिकायत थाना सिरसागंज में पेट्रोल पंप मालिक ने की है। वही सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, लेकिन घटना का वीडियो आज सामने आया है। क्या नाम भैया तुम्हारा? राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? डकरई। पिता का नाम क्या है? श्री ओम प्रकाश। आप कहाँ काम करते हैं? हम इसी एचपी सेंटर। क्या बात हुई आपके साथ? सर वो आई गाड़ी तो उन्होंने कहा कि मेरे में डीजल डाल दो। तो कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का नंबर? गाड़ी का नंबर है UP83AE0909। तो उन्होंने आके हमसे कहा कि 5,000 का डीजल डाल दो। तो हम उसे फुल करने लगे। जब वहाँ जाके मशीन चलती गई तो 4720 पर रुकी। तो उन्होंने कहा कि 4750 का कर दो। तो मशीन वहाँ उस जगह नहीं रुकी, थोड़ी बढ़ गई। तो वो हमसे वो बोले, अब शब्द बोले, वो गाली गलौज करके बोले। तो जब वो गाली गलौज करके बोले फिर हम शांत रह गए। चुप रहने के बाद भी उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसमें दो लड़के और बैठे थे, वो उतरे गाड़ी से। वो बोले कि तू सिरसागंज में रहेगा तो जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगा। कौन था गाड़ी में? किसने आपके साथ मारपीट की और किसने आप शब्द किए? दो लड़के, एक लड़का था हरी शर्ट वाला और एक और लड़का डॉक्टर साहब स्वयं भी गाड़ी से उतरे। कौन डॉक्टर थे? धर्मेंद्र के लड़के। क्या नाम है उनका? डॉक्टर कृष्णा। वो उतरे, उन्होंने एक लड़के ने मेरे इधर पकड़ा और डॉक्टर ने इधर पकड़ा। वो अंदर आ गए। अंदर आ करके पहले मुझे मारा, फिर मेरे मुनीम सारे स्टाफ को अच्छी तरीके से मारा। मारने के बाद उन्होंने क्षमा मंगवाई, गलती मंगवाई, फिर भी छुपाए। फिर छुपाने के बाद फिर उन्होंने फिर मारपीट की और लड़के बुला लिए। दो तीन बाइकों पर 8-10 लड़के आए। फिर उन लड़कों ने भी मारपीट की, बंदूक भी लेके आए, राइफल थी वो लेके आए। सीधा ठगी करते चले आए। आपने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को या पुलिस प्रशासन को दी है? थाने भी किया था सूचना, SHO को फोन किया, फिर हम थाने गए भी रिपोर्ट लगाने। मैं डॉक्टर दिलीप यादव, पूर्व MLC। सभी जनपद वासी और क्षेत्र वासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ आज़ादी का 100 अमृत जो महोत्सव है, इस पर सभी लोगों से अपील और निवेदन है, राष्ट्रीय ध्वज को लगाएं और फहराएं।